पंचायत के तारा सर्कल स्थित महावीर मंदिर परिसर में बुधवार को अवैध मिथिला रामचरितमानस बरियारपुर पूर्वी के तत्वाधन में मंजौल अनुमंडल स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बता दें, इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में खोदावनपुर प्रखंड स्तरीय रामचरितमानस प्रचार संघ का सांगठनिक चुनाव जिला मंत्री अशोक राय के नेतृत्व में कराया गया है, जिसमें राम भजन महतो को प्रखंड अध्यक्ष, रामेश्वर पासवान को सचिव, उपेंद्र महतो को कोषाध्यक्ष, राम मदन महतो को कार्यकारी अध्यक्ष, उमेश महतो व रामेश्वर चौरसिया को उपाध्यक्ष, गणेशी महतो को संगठन मंत्री, सुखदेव महतो को सांस्कृतिक मंत्री एवं रामानंद सिंह को सूचना मंत्री बनाया गया है। इस अवसर पर बिहार प्रदेश के संगठन मंत्री राम अवतार महतो ने कहा कि आज की दुनिया सूरी सुंदरी कंचन कामिनी के पीछे चल रही है। रामचरित प्रचार संघ आज के समाज को पाप के पुण्य से और अनीति नीति की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधप्रकाश से प्रकाश की ओर लाने का भागीरथ प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने कहा, मानव में देवत्व का जागरण संगठन का लक्ष्य है, समाज को जोड़कर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए अग्रसर है। वहीं चेरिया बरियापुर के प्रखंड अध्यक्ष रामलखन सिंह ने कहा है कि रामचरितमानस से समाज का कल्याण हो, धर्म बहे, लोगों में सद्विचार का आचरण हो और सदाचार का संचार हो, नशा मुक्ति से दूर रहे, इसलिए लोग रामचरितमानस गोष्ठी का आयोजन करते हैं। बता दें, गोष्ठी में अनुमंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, उपाध्यक्ष हरि नारायण महतो, महामंत्री हरिकांत दास, नावकोठी के रामानंद दास, भोला सिंह, महेशवाड़ा के दिनेश सिंह, गोपालपुर के राम नरेश राय, आकोपुर के राम सगुन मिश्र, समाज सेवी रामगुलजार महतो, राम बालक महतो, पन्नालाल महतो, शिवनंदन महतो, रामेश्वर महतो, रामचंद्र महतो सहित अनेक लोग मौजूद थे। खुदावनपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। श्री रामचरित मानस प्रचार संघ बिहार गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य है, आज की दुनिया सुरा सुंदरी कंचन कामनी के पीछे चल रही है। रामचरित मानस प्रचार संघ आज के समाज को पाप से पुण्य की ओर, अनीति से नीति की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का भगीरथ प्रयत्न कर रहा है। मानव में देवत्व का जागरण संगठन का लक्ष्य है, समाज को जोड़कर धर्म एवं संस्कृति की रक्षा हेतु अग्रसर है। रामत्व मीठे एवं रामत्व की स्थापना हो, यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। उसी के तहत कार्यक्रम किया गया। हाँ। ये जो है गोष्ठी क्यों लोग मनाते हैं? गोष्ठी का मतलब होता है विचार, हमारा विचार परिवर्तन हो, आचार परिवर्तन हो, बस इसी उद्देश्य से गोष्ठी मनाया जाता है। आज जो है ये कार्यक्रम किस जगह पर किया गया? तारा सलकर श्री हनुमान जी के मंदिर पर। कहाँ कहाँ के लोग जो है शामिल हुए हैं? यहाँ 5 प्रखंड के लोग शामिल हुए हैं और इसमें कुछ संगठनात्मक भी कार्यक्रम हुआ है, जो अभी तक उसका प्रारूप तैयार किया गया है। शुभ नाम क्या हुआ? मुकुंद कुमार धार मंझौल।